Welcome to the Physics Foundation's online physics course. Today we are going to discuss addition of vectors. आज लेसन 3 में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। वेक्टर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं, उन्हें ही हम वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स बोलते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का जो पहला रूल है, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का है। अगर हम दो वेक्टर्स का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लीकेशन करें, हमें उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनका रिलेटिव डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। रिलेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मालूम करना हो, तो हम इसके लिए दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट पर प्लॉट करते हैं, यानी दोनों वेक्टर के टेल को एक ही पॉइंट पर रखते हैं। उस कंडीशन में जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर कहा जाता है। दूसरा इसका तरीका है कि हम एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखें। इस प्लॉटिंग को हम टू प्लॉट इन सक्सेशन बोलते हैं, और पहले वेक्टर के हेड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करें डॉटेड लाइन से। ये प्रोड्यूस डॉटेड लाइन के साथ जो दूसरा वेक्टर है, वो जो एंगल बनाता है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। एक्चुअली ये दोनों ही तरीके सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, केवल कहने के दो तरीके। अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स के एडिशन का रूल क्या है। दो वेक्टर ए और बी को अगर एड करना हो, तो पहला जो तरीका है, इसे हम पैरलोग्राम रूल कहेंगे। इन दो वेक्टर्स को एक ही पॉइंट पर, यानी टेल टू टेल प्लॉट करेंगे। उनके बीच का एंगल थीटा होगा। इन दो वेक्टर्स को जो एक ही पॉइंट पर प्लॉटेड हैं, इनको एक पैरलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मानेंगे और उस पैरलोग्राम को पूरा करेंगे। यानी कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे, दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे। ये लाइन P पॉइंट पर क्रॉस करेगा एक दूसरे को। इस पैरलोग्राम में टेल टू टेल पॉइंट जो है, जिसको हम यहाँ O नाम दे रहे हैं, वहां से P की तरफ जाने वाला जो डायगोनल होगा इस पैरलोग्राम का, वही दोनों वेक्टर A और B का समेशन होगा। इसे हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या A प्लस B कहेंगे। चूंकि इसमें हम लोगों ने पैरलोग्राम ड्रॉ किया है, इसलिए इस रूल को हम पैरलोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम वेक्टर्स को सक्सेशन में प्लॉट करेंगे, यानी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे। इस तरह से हमें एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड मिलता है, यानी दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों साइड में एक वेक्टर का टेल फ्री है, दूसरे वेक्टर का हेड फ्री है। तो टेल से हेड की ओर, पहला वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को हम अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का, यही इन दोनों वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट होगा। चूंकि इस मेथड में हम लोग एक ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल का दो साइड और तीसरे साइड को दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कह रहे हैं, इसलिए इस मेथड को हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर्स ए और बी को दोनों में से किसी भी मेथड से अगर हमने ऐड किया है, तो उनका समेशन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मेथड जो पैरलोग्राम मेथड है, उसमें डायगोनल ओपी ही ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही ये डायगोनल डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। OA लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे और P पॉइंट से वहां एक परपेंडिकुलर डालेंगे। हम देख रहे हैं कि B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AP साइड का लेंथ दोनों बराबर है। इसके साथ साथ PAM और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दोनों सेम हैं। APM राइट एंगल ट्रायंगल में AP हाइपोटेन्यूज हुआ और AM बेस,
और PM परपेंडिकुलर है, इसलिए AM को हम B cos थीटा और PM को B sin थीटा कह सकते हैं। दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज OP है वो है OPM। सिंपली OP का लेंथ निकालने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, इसका जो बेस OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर अंडर रूट निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। हम देख रहे हैं कि OM A वेक्टर प्लस B cos थीटा है जबकि PM B sin थीटा है, तो स्लाइटली मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को सिंपल अलजेब्रा से हम जो फाइनल रिजल्ट लाते हैं वो OP का लेंथ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट होता है। सपोज कीजिए हम A के साथ A प्लस B का एंगल कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम में ये एंगल अल्फा है, तो जो हमने OPM ट्रायंगल लिया है राइट एंगल ट्रायंगल उसमें हम tan अल्फा का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर PM है, बेस OM है, यानी B sin थीटा डिवाइडेड बाय A plus B cos थीटा। अगर हम लोगों को A B और थीटा मालूम है तो tan अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेंगे और उससे हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए, A plus B के मैग्नीट्यूड का और A plus B का जो डायरेक्शन बन रहा है A वेक्टर के साथ। दूसरा जो हमने मेथड यूज किया है वो है ट्रायंगल लॉ। तो हम यहाँ इस डायग्राम में क्लियरली देख रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ में भी हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो तीसरा साइड जस्ट वैसा ही है जैसा पैरेललोग्राम में डायगोनल है, इसलिए हम प्लॉटिंग करने का तरीका या तो पैरेललोग्राम मेथड से करें या ट्रायंगल रूल से करें। ये जो रिजल्ट हमारा है इनके समेशन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वो सेम रहेगा।